हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तीन पार्ट होते हैं उसमें से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जो वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम तीन प्रकार का होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको शॉर्ट में सीएनएस भी बोला जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जिसका वर्णन मैं तंत्रिका तंत्र के पार्ट वन व टू में कर चुकी हूँ। एंड दोस्तों, दूसरा आता है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत 43 जोड़े नाड़ियां आती है, जिसमें से 12 जोड़े हमारे दिमाग से कॉर्निथन नाड़ी एंड 31 जोड़े हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नाड़ी निकलती है, जिसका वर्णन मैं पार्ट थर्ड में कर चुकी हूँ। एंड दोस्तों, तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका वर्णन मैं आज इस वीडियो में पार्ट फोर्थ में करूंगी। जैसा कि दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, राजस्थान, पीटीआई एंड डीएसएसबी, सभी एग्जाम्स के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मैं बना रही हूँ, बीच में नहीं बना पाई हूँ, आगे मैं डेली बेसिस से बनाऊंगी, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर। हम जानते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। जैसा कि दोस्तों, यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका नाम ही है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक काम करना, किसी का इस पे नियंत्रण नहीं होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है परिस्थिति के अनुसार। जैसे कि दोस्तों, यह तंत्र जो है कुछ मस्तिष्क यानी ब्रेन एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्वस का बना होता है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों, आग्नाशय यानी पैंक्रियाज, अमाशय यानी स्टोमच, यकृत यानी लीवर, आंत यानी इंटेस्टाइन्स आदि व रक्त वाहिनियों की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है, यानी कि इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप हो रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। क्या आपका खाना कैसे पच रहा है, क्या आप उसको पचाते हैं, क्या आपका उस पर कंट्रोल है, नहीं कंट्रोल है ना, इसी सब क्रियाओं को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है अपने परिस्थिति के अनुसार। सबसे पहले इसका खोज यानी पता लगाया लैंगली ने 1921 में। जैसे कि दोस्तों, यह जो है इसका नाम ही है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसकी विशेषता यह है कि यह मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करता, जैसा परिस्थिति होता है एकाएक अपना रूप धारण कर लेता है, कुछ हार्मोन से मिलकर स्वतंत्र रूप से काम करती है, शारीरिक संतुलन बनाने का कार्य करता है, कुछ क्रियाओं को उत्प्रेरित करती है और कुछ क्रियाओं को शिथिल करती है, ठीक है। जैसे गुस्सा होने पर हमारा आंख बड़ा बड़ा सा हो जाता है, हम शांत रहते हैं तो हमारा आंख नॉर्मल स्थिति में होता है, चेहरा सही स्थिति में होता है, ठीक है, जब गुस्सा होते हैं तो हमारी नसें तन जाती है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, इस पर किसी का कोई बस नहीं चलता है, मस्तिष्क के आदेशों पर यह निर्भर नहीं होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, यह दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि दोस्तों, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यह द्वंद प्रतिद्वंद प्रणाली के समय यानी कि जब हम बहुत ही उत्तेजना में होते हैं, अचानक से कोई कार्य होता है, उत्तेजना के समय जो पूरे शरीर में बड़ी मात्रा में अवक्षेप करता है, वो हमें कार्रवाई के लिए तैयार करता है, विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करता है, यह खतरे, भय, दुख, शोक,
आदि की स्थिति में कार्य करता है। इसका प्रभाव निम्न है, जैसे कि दोस्तों एकाएक आप रास्ते से जा रहे हैं, एकाएक पागल कुत्ता आपको पीछे से दौड़ाया, तो बताइए आप एकाएक पूरी शक्ति से भागने लगते हैं, कैसे भागने लगते हैं। इस पर हमारा ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है, उसमें हमारा ब्रेन सोचने समझने की क्षमता नहीं लेता है, तब तो देर हो जाएगा, तब तक तो कुत्ता आपके पास पहुंच जाएगा। बट ये क्या है कि जो ही पागल कुत्ते को हम देखते हैं, पूरे स्पीड से हम भागने लगते हैं, ऑटोमेटिक हमारे जो मांसपेशियां होती है वो कार्य करने लगती है। खतरे के समय, भय के समय, दुख व शोक आदि के स्थिति में यह कार्य करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी, जब ऐसी स्थिति होती है खतरा, दुख, शोक, तो हमारी शरीर की क्या स्थिति होती है, जैसे कि हमारी नेत्र की पुतली फैल जाती है किसी डरावनी चीज को देखकर या भयानक चीज को देखकर, हमारा लार का बनना बंद हो जाता है। दोस्तों जब लार का बनना बंद हो जाता है तो हमारा पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, अब पाचक एंजाइम निकलना भी बंद हो जाता है, इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है, स्वेद निकलने लगता है यानी कि पसीना निकलने लगता है शरीर से, जैसे देखते होंगे कि आप अचानक अपने सामने शेर देख लेते हैं, डर जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, शरीर से रोंगटे खड़े होने लगते हैं, डर के मारे पसीना निकलने लगता है। ठीक है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, उत्सर्जी अंगों की पेशियां शिथिल हो जाती है। ठीक है, ये सभी होता है जब हम किसी भय, खतरा और दुख, शोक, ऐसी स्थिति हमारी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्रकार, परा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जैसे कि दोस्तों अनुकंपी का जस्ट उल्टा आपका परानुकंपी है, जैसे कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो भय, खतरा, दुख, शोक में होता है, उसी प्रकार यह आराम की स्थिति में, शांति की स्थिति में काम करता है। जैसे कि यह शरीर की आश्रयदाता प्रणाली इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आश्रयदाता प्रणाली। यह अनुकंपी के विपरीत होता है, जैसे कि प्रेम, खुशी, हर्ष यानी शांत एवं विश्रामावस्था में यह काम करता है। ठीक है, जैसे आप शांत अवस्था में है, विश्रामावस्था में है, आप किसी चीज में खुश है या हर्ष है, प्रेम है आपका, तो उस परिस्थिति में हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। इस स्थिति में हमारी नेत्र की पुतली जो है वो सिकुड़ती है और स्वेद ग्रंथि से पसीने के स्त्राव को घटाता है। ठीक है, जैसे कि आप सिंपैथेटिक में देखे होंगे कि पसीना का स्त्राव बढ़ जाता है, लेकिन इस पे घटाता है, लार ग्रंथियों के स्त्राव को बढ़ाता है यानी कि पाचन क्रिया ज्यादा अच्छे से होता है, हृदय स्पंदन को घटाता है, श्वसन दर तथा रक्तचाप को कम करता है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं जब हमारा स्थिति किसी प्रेम, खुशी, हर्ष, अशांत, विषमावस्था में रहते हैं तब। इस प्रकार हमने समझा दोस्तों कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वह हमें भय, शोक, खतरे इस स्थिति में काम करता है, और जो हमारा परानुकंपी यानी परासिंपैथेटिक सिस्टम है वह हमें प्रेम, खुशी, हर्ष, शांत और विषमावस्था में काम करता है। अपने से सोचिए, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने जाना शॉर्ट में कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आप इसको समझ गए होंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ऑटोमेटिक काम करना परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। एंड दोस्तों नर्वस सिस्टम के तीनों पार्ट के बारे में मैंने बता दिया शॉर्ट में, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा बताने की मैंने कोशिश नहीं की। एंड दोस्तों अब इसके आगे मैं न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगी जिससे मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरॉन्स से ही मिलकर बना होता है, और यही न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर से समस्त संदेशों को मस्तिष्क पर भेजते हैं, और मस्तिष्क से समस्त संदेशों को हमारे अंगों तक भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।